आपको भी याद होगा एबीपी गंगा पर तो हमने बहुत अच्छे से ये विजुअल चलाए थे, उनका बयान चलाया था कि आप सब पत्रकार बंधु आइए हमारे घर पर बैठिए, चाय पीजिए, अच्छी चाय बनती है, ये सलूक करते हैं क्या? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था, लेकिन उसके विपरीत आज यही हुआ है जिसमें कि साफ देखा जा सकता है कि पत्रकारों को किस तरीके से धमकाया डराया जा रहा है। मोबाइल छीन लिया, लीड छीन ली थी, एक जी न्यूज़ के पत्रकार के कैमरामैन थे उनका भी मोबाइल अभी तक उन्हीं के पास है जो कि नहीं दिया गया है। हम लोग फिलहाल यहाँ पर भारी संख्या में पत्रकार हमारे साथ में इकट्ठा हैं पीछे, जो जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं और ज्ञापन एक देना चाह रहे हैं। इस तरीके से जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एक बड़ा पद है और अपनी जिम्मेदारी से अलग हट करके जिस तरीके से धमकाया जा रहा है पत्रकारों को, वो बहुत ही गलत है, निंदनीय है। यहाँ पर भारी संख्या में पत्रकारों में आक्रोश और रोष भी है। बिल्कुल, और ये मौका कौन सा था कि जब सवाल एक छोटा सा था, क्योंकि उस विजुअल में आप दिखाई दे रहे हैं नवीन, आपने अपने बेटे, उनके बेटे का जिक्र किया, फिर धीरे से एसआईटी का जिक्र किया, फिर उसके बाद से तुरंत इतने गर्मा गर्मी में आ गए? देखिए स्नेहिता, आपको बता दें कल भी संसदीय कार्यालय पर जब हम लोग गए थे तब भी वो नाराज थे काफी ज्यादा। अच्छा। मीडिया को बाहर निकाल रहे थे वहां से, और आज भी जिसमें एक ओयल कस्बा पड़ता है वहाँ पर हम लोग गए थे, जो चिकित्सालय है उसमें ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण था वहाँ पर, और हमने साधारण उनसे क्वेश्चन किया कि ऑक्सीजन पहले मामले में क्या है। उसके बाद हमने सीधा सा छोटा सा सवाल किया कि आपके वहाँ जो बेटे पर जो धाराएं बढ़ाई गई हैं एसआईटी द्वारा, उस पर क्या कहना है? बस इतना ही कहना था हमारा कि वो भड़क गए और हमारे लीड निकाल लिया। नवीन, ये मामला इतना आसान और छोटा नहीं है, क्योंकि देखिए अब इस वीडियो पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। नवीन, जैसे पत्रकार बंधु अभी डटे हुए हैं।